हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको फ़ोनपे में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही, टेक्निकल इश्यू आ रहेगा, या आप जो है बैंक का बैलेंस चेक कर रहे हैं, चाहे बैंक का बैलेंस चेक कर रहे हैं या फिर फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इश्यू आ रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस चेक करता हूँ मेरे, तो भी मुझे टेक्निकल इश्यू आ रहा है। मैं ICICI बैंक का करता हूँ तो भी मुझे टेक्निकल इश्यू आ रहा है इस तरह का। अब जैसे कि मैं ICICI का करके दिखा देता हूँ तो इसमें मुझे टेक्निकल इश्यू आ रहा है। तो ये जो है टेक्निकल इश्यू बैंक के एप्लीकेशन में नहीं आ रहेगा, ये जो इश्यू आ रहा है ये UPI में आ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो है लगभग सभी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, एक बग चल रहा है, ग्लिच आ रहा है इस वजह से। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ टाइम का वेट करना है। और अगर आप किसी के साथ फंड ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं तो भी आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसमें जो है इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इश्यू इसमें भी आ रहा है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको करना, देखो आज मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में जाके तो यहाँ पर जो है मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर डाउन डिटेक्टर में, तो यहाँ पर जो है अभी करंट टाइम पे भारतीय स्टेट बैंक के एप्लीकेशन में भी आ रहा है, UPI में इश्यू आ रहा है, जो UPI के बारे में बता रहा था। अब इसमें जो है UPI में जो इश्यू आ रहा है, कितने परसेंट व्यक्ति के पास आ रहा है, पेमेंट से रिलेटेड 71% और फंड ट्रांसफर से रिलेटेड 19% और ऐप से रिलेटेड 10%। बाकी जो है पेमेंट से रिलेटेड है, जो बैलेंस चेक कर रहे हैं उससे रिलेटेड आ रहा है, 71% जो है इश्यू आ रहा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये जो है 1 से 2 ओवर का वेट करें या फिर 24 ओवर का वेट करें, ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को अपडेट करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।